सो भाई मॉल रोड पे ये इतने छोटे छोटे गुलाब जामुन। वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से एक बार और एक और नई वीडियो आ चुकी है। और अब जो है ऑलमोस्ट सारा कुछ हम जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं और ये जो है मनाली का सेकंड ब्लॉग होने वाला है। और इस ब्लॉग में हम जाएंगे मनाली की लोकल साइट सीन करने। सो वीडियो में बने रहिएगा। बस अभी थोड़ा सा सामान फैला हुआ है घर में, इसको साइड में रखते हैं। एंड लंच का ऑर्डर हमने दे दिया है नीचे, 20 मिनट का उन्होंने टाइम दिया है। 20 मिनट में हमारा लंच रेडी हो जाएगा, तो नीचे रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहां लंच करेंगे। काफी सारी चीजें ऑर्डर किए, दिखाऊंगा आपको जब हम लंच करेंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा अभी बिस्तर फैला है, तो जब तक तो गाइस फाइनली जो है बिस्तर, जो सारे कपड़े इधर उधर फैले थे मैंने उठा के रैक पे रख दिए हैं, ताकि आते टाइम बस मुझे और पापा को बस जैकेट पहनने की जरूरत पड़े और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़े। तो कमरा पूरा साफ कर दिया है हमने। चलते हैं हम जो है लंच पे और रेस्टोरेंट में चलते हैं और देखते हैं यार खाने का क्या क्या इंतजाम हुआ है, खाने का टेस्ट कैसा है। खाना वाना खाते हैं और खाना का रिव्यू दोगे आरती आप? हाँ, दूंगी। चलो ठीक है, तो खाना वाना खाते हैं और खाने का रिव्यू जो है हम रेस्टोरेंट में बैठ के देते हैं कि भाई। सो पापा मम्मी और आशा का देखते हैं कितना हुआ है। अभी लंच के लिए वो लोग रेडी हुए हैं कि नहीं हुए, तो उनका रूम खोलता हूँ मैं। खुल जा यार। सो अरे ये दोनों सो रहे हैं। आशा मम्मी लंच नहीं करना? आशा सो रही है? अरे उठ जाओ भाई, चलो लंच करने। हैं ऊपर नहीं ना, वहीं रेस्टोरेंट में बैठ के लंच करेंगे। तो फाइनली वो लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और मैं भी जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में। अरे वाह, यहाँ सबने खाना भी चालू कर दिया। सलाद, रोटी, पनीर, दाल और क्या क्या है उधर? चावल है। क्या क्या खा रही है ऐसा? है मैं किधर बैठू, मेरी सीट किधर है? चलो ठीक है, फाइनली मैं भी जो है लंच लग चुका है, तो लंच करते हैं यहाँ बैठ के। पनीर है, दाल है, रोटी है, चावल है, तो खाना खाने देते हैं और खाने खाते हैं, उसके बाद खाने का टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसका रिव्यू देंगे। ठीक है, सो बने रहो और जिसको लंच करना है लंच करो मेरे साथ। तो आरती टेस्ट कैसा सब्जी का? बहुत अच्छा है। अच्छा बना ना मम्मा? ओहो आशा अच्छा बना है। पापा खाना कैसा है? अच्छा है। तो ये काफी नीट एंड क्लीन जो है पूरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये यार खाना बहुत अच्छा है, हमने ढाबे पे लंच किया था वहाँ पे आते टाइम, जो जहाँ बस रुकी थी, तो उसका खाना इतना बढ़िया नहीं था। वो ढाबा ये मतलब लोकल है और यहाँ पे होटल है, तो पूरा मतलब काफी अच्छा टेस्ट है दोनों सब्जी का। दाल मैंने भी टेस्ट नहीं किया, तो दोनों सब्जी का टेस्ट काफी अच्छा है। तो भाई लंच कर लिया है यार, खाना बहुत अच्छा था सच में। पूरा एक दिन हो गया था यार पेट भर के खाना खाए हुए, तो मैंने तो जो है दबा के जो है खाना खा लिया है। सो अब खाना खा लिया और मनाली लोकल साइट सीइंग को एंजॉय करने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको एक लाइक करके और कमेंट करके यार मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके। कैब में बैठ गए हैं और अब हम जो जा रहे हैं सबसे पहले मनाली की सबसे नंबर वन साइट सीइंग हडिमा देवी टेम्पल विजिट करने। तो हडिमा देवी टेम्पल चलते हैं और वहाँ के नज़ारे जो है वहाँ पहुँच के ही। तो गाइज ये जो रास्ता है वो अपना हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ जाता है। तो अपन जो है हडिम्बा देवी टेम्पल की चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर मंदिर है। देखो यहाँ लोगों के घर के बाहर कितनी मोटी बर्फ जमी है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ये लोगों के घर की गलियाँ हैं, तो इस गली में भी इतनी मोटी परत जमी हुई है बर्फ की। चारों तरफ इधर जो देखेंगे
हनुमान देवी टेंपल के अगल बगल पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है, काफी खूबसूरत नजारा। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं हिडिंबा देवी टेंपल पहुंच गए। मंदिर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि ये जो मंदिर है पूरा लकड़ी का बनाया हुआ था और इस मंदिर के अंदर एक गुफा थी जिसके अंदर माता श्री हिडिंबा जी की स्थापना हो रखी थी। इस मंदिर का इतिहास लगभग 450 सालों से ज़्यादा पुराना है और ये जो मंदिर है हमारे महाभारत टाइम से जो है। तो आरती, आज यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी सारी बर्फ और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। कभी लाइफ में आपने पहले इतनी बर्फ देखी थी? नहीं, मैंने पहले कभी देखी थी, आज पहली बार देखी है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अभी तो कल तो सोलांग वैली जाना है, वहाँ तो इससे भी ज्यादा बर्फ होने वाली है। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड। ओहो रियली? यस। चलो ठीक है, हम जो है हिडिंबा देवी टेंपल थोड़ा विजिट करते हैं, आसपास के नज़ारे देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या इस जगह अच्छी है जो आप लोगों को मैं दिखा सकूं। तो गाइस, ये जो है ये हिडिंबा देवी टेंपल का मेन गेट है। इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई भी अंदर की वीडियोज़ या फोटोज़ क्लिक नहीं कर सकता। तो आप लोगों को मैं बाहर से मंदिर का मेन गेट दिखाता हूँ और मेन जो है मंदिर का व्यू भी इधर से ही है। मंदिर का मुख्य जो गेट है वो इधर से ही है, तो इधर से ही ये क्लियर व्यू आता है। एंड जस्ट इसके अपोजिट साइड यहाँ जीना बना हुआ है जो है नीचे की तरफ लेकर जाता है, और चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं, बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं, और चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो है ये चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है। ज़मीन बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रही, हर जगह जो है बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद बर्फ चमक रही है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है, बड़े बड़े पेड़, बहुत लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये सुंदर नजारा हिडिंबा देवी टेंपल का है, जहां भी देखोगे आप चारों तरफ आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी गाइस। तो भाई पापा ने जो है एक चैलेंज ले लिया है, 3 बॉल में जो है अगर ये 6 गिलास गिराएंगे तो 100 रुपये, 2 बॉल में 200 और 1 बॉल में 1000। तो एक इन्होंने मार दिया है और ये दूसरी बॉल मार रहे हैं, सारी गिर गई। दूसरी गिलास पे पापा ने सारी गिरा दी, और 100 रुपये मिलेंगे ना, दोनों गिर गए। अब गिर तो गए भी है दोनों। तो अब हम जा रहे हैं मनु टेंपल की तरफ, तो वहां से जो है ये बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है। वो तो अच्छा है कि साथ में ग्रिल दे दिया है, तो ग्रिल पकड़ के जो है इस रास्ते से आ रहे हैं। बाकी पूरे रास्ते पे बर्फ जमी हुई है और बहुत सारे रास्ते फिसल रहे हैं। तो अब जा रहे हैं नीचे, वो देख रहे हो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी बह रहा है। तो वहाँ चलते हैं उस ब्रिज पे और वहाँ से कुछ व्यू शूट करते हैं। सो लेट्स गो। तो भाई नीचे जो है हम ब्रिज पे आ चुके हैं और इस नदी का पानी देखो यार, बिल्कुल जमीन दिख रही है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी, और पूरा ऊपर यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है और उन बर्फ को चीरती हुई ये नदी बह रही है। तो आगे चलते हैं अभी टेंपल के दर्शन भी। ओ भाई लास्ट 1 किलोमीटर से यार बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देख रहे हो आप बिल्कुल। चढ़ते चढ़ते यार सांस भी फूल गई है, अभी जो है कम से कम 500 मीटर और है। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे, क्या करें, मंदिर तो जाना ही है, दर्शन तो करने ही है। सो गाइस, फाइनली जो है हम 1.5 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग के बाद मनु टेंपल पहुंच गए। मनु टेंपल का इतिहास मनाली से बहुत ही गहरा है, क्योंकि मनाली का नाम जो है मनु टेंपल से ही पड़ा है। मनु टेंपल पूरा देवदार के वृक्षों से, देवदार की लकड़ी से और पत्थरों से बना हुआ है, और ये मंदिर ओल्ड मनाली के बीचों बीच बसा हुआ है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत मंदिर है।
गाइस अब हम आ चुके हैं मनाली की तीसरी साइट सीइंग द क्लब हाउस में। तो क्लब हाउस के अंदर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अडल्ट का एंट्री टिकट 25 रुपये है और बच्चों का इस बोर्ड से पता नहीं छुप गया है। तो अंदर चलते हैं, पता करते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। जो है फाइनली रिवर क्रॉसिंग की पहली एक्टिविटी करती हुई अपनी मनाली में, पहले आरती चली जाए उसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला जाता हूँ। आरती कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा है। डर लग रहा है? सच में ही फेस बता। ये आरती जाती हुई रिवर के अंदर, जाने दो उसको, बीच में जाने दो। जंप आरती, कैसा लग रहा है? तो फाइनली आशा भी रस्सी से बंध गई है और ये भी जा रहे हैं बीच नदी में। जाओ जाओ, हाथ ये ग्रीन वाला पकड़ के, ग्रीन वाला रस्सी। हो गया आरती, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। सो फाइनली फ्रेंड्स, ओल्ड मनाली से घूमते हुए हम लोग निकल पड़े मॉल रोड की तरफ और फाइनली जो है हम लोग आ गए मनाली मॉल रोड पे। सो बात करूं मनाली के मॉल रोड के मार्केट के बारे में, तो इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप यहां पे घूमना चाहते हैं तो पूरी शाम आपके लिए कम पड़ जाएगी। मनाली मॉल रोड पे आपको ज़रूरत का सारा सामान बहुत ही आराम से मिल जाता है, जैसे ATM, लिकर शॉप, क्लोथ्स, फूड्स, एवरीथिंग आपको यहां पे बड़ी ही ईजिली तरीके से अवेलेबल होता है। सो मनाली मॉल रोड को एंजॉय कीजिए। सारी साइट सीइंग करते करते जो है फाइनली जो है हम मनाली मॉल रोड पे हैं और यहाँ पे जो है हम वेज मोमोज खा रहे हैं। आशा, मोमोज कैसे हैं? सच में? ओह, तो गरम गरम मोमोज है, मौसम बड़ा अच्छा है तो खाने में बड़ा मजा आ रहा। सो भाई मॉल रोड पे ये इतने छोटे छोटे गुलाब जामुन देख के यार मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने कहा चलो लेते हैं। 30 रुपये में इन्होंने हाफ प्लेट दिया जिसमें इन्होंने छोटे छोटे 12 गुलाब जामुन के पीस डाले हैं। तो आरती टेस्ट करके बताओ यार ये कैसे लगते हैं, गरम है आराम से खाना। उसी गुलाब जामुन की तरह या कुछ अलग है? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दिखाना एक बार, इधर दिखाओ, देख के तो यार काफी लजीज लग रहा है, चलो मैं भी खाता हूँ। यार जो सोच के मैंने खरीदा था ना इसको, इसका टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मुझे लग रहा है ये आटे से बनाया हुआ है, क्योंकि ये मुंह में जाते बिल्कुल घुल जा रहा है और गुलाब जामुन जो होता है इतनी जल्दी नहीं घुलता, वो थोड़ा सा खसखस होता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये। तो फिर भी कैसा भी अब खाओ, 12 पीस मिले हैं तो खाना तो पड़ेंगे ना, बट मैंने जो सोच के लिया था वैसा कुछ है नहीं। तो चलो कैब आ गई, अब चलते हैं होटल पे और बाकी बातें होटल पे करते हैं। मनाली लोकल साइट सीइंग जो था आज के लिए खत्म हो गया। हिडिंबा देवी टेम्पल कवर किया, मनु टेम्पल कवर किया हमने, देन उसके बाद मैं वन विहार तो मैं गया ही नहीं, मैं इनका बाहर से मैं नहीं जाऊंगा, वो सेम एज अ पार्क है और उसमें स्नो है तो बस वही है, झूले वगैरह लगे हैं तो मैं तो अंदर नहीं गया, बच्चे लोग गए थे। देन उसके बाद फिर हम जो है मॉल रोड मैंने थोड़ा सा घूमा, मॉल रोड पे कुछ मोमोस वगैरह, कुछ गुलाब जामुन वगैरह हमने खाए। फाइनली जो है आज का टूर यहीं पे फिनिश करते हैं, मनाली लोकल साइट सीइंग की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। अब मिलेंगे कल एक और नए दिन के साथ, एक और नई डेस्टिनेशन के साथ, तो बने रहिएगा मनाली सीरीज में, आपको 3 से 4 वीडियो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। सो गाइस इस वीडियो को फिर यहीं पे करते हैं क्लोज, मिलते हैं अगली वीडियो में कल, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय और सी यू मेरे दोस्त।